नमस्कार भाई। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे भाई, बढ़िया होंगे भाई। आज का मेरा वीडियो है, मैं देख रहा हूँ, मैंने कुंवर जी के बारे में जाने एक दो जाने एक शायद दो बनाए वीडियो बनाए थे मैंने, इतने नहीं बनाए थे। उसके बाद मैंने नहीं बनाया था, मैंने कई भी थे पहले जब कुंवर जी नहीं मिल रहे थे, वीडियो उनकी नहीं आ रही थी, जब भी उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं बोर्ड के, बोस के, सॉरी फर्स्ट ईयर के, तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म है कॉलेज के, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने बहुतों के वीडियो देखे, पाकिस्तान के भी बहुत लोगों के देखे, कुछ ओमान के भी देखे, लोगों के जो पाकिस्तानी हैं, इंडिया के भी देखे। भाई वो एक चीज़ का पता चला है, अब ये चीज़ जो है वो सच है या फिर नहीं है। लेकिन मुझे एक बात पता है, जो ये कुत्ते पाकिस्तान के भौंक रहे हैं, जैसे नावेद अंसारी, वीर कुत्ता, ये सब जो भौंक रहे हैं, भौमो कर रहे हैं कि ओम कुंवर जी हमारे पास है, वो हमारे पास है, हम ये कर देंगे मतलब यार हम वो कर देंगे, और उसको भेजो, हमारे जो हिंदू शेर भाई को भेजो। यार तुमने क्या समझ के रखा है, है? नहीं, ये हिंदुस्तान हलवा है कि तुम कहोगे वो का हो जाएगा, हमारे यहाँ पे मातम बनेगा, हम कहेंगे अरे यार वो कर दो। यार तुम जैसे जो कुत्ते हैं ना, वो हमें सब पता है वो कैसे मानते हैं, ठीक है ना? तुम्हारे ही देश के सैनिक, जो तुम्हारे देश के सैनिकों ने 1971 वॉर में, 1971 के वॉर में बांग्लादेश में 90,000 सैनिकों ने जब इंडियन सोल्जर्स के तलवे चाटे थे ना, सैफ मलिक शाह के तलवे चाटे थे, जब वो हमारे यहाँ के जनरल थे सैफ मलिक शाह, उनके तलवे चाटे थे ना, तो वो भी हमें याद है। तो भाई हमें मत सिखाओ कि तुम क्या कर दोगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये जो इतना भौंक रहे हैं, और हाँ एक मैंने इस वीर कुत्ते की वीडियो देखी नावेद अंसारी की, कुछ दिन पहले वीडियो आई, उसमें ये बोल रहा है कि कुंवर जी, मतलब इसने खूब बोला कि कुंवर जी का हिंदू शेर को भेजो, फिर लास्ट में इसने एक बात बोली, इसने बोला कि इंसान को हिंदू धर्म में जलाने के लिए लकड़ी होती हैं, तो यहाँ से तुम एक्सपोर्ट, यहाँ से अगर जाएगी तो बहुत महंगी पड़ेगा, वहाँ से वहीं पे अगर आप जलाओगे तो सस्ता पड़ेगा। इसने बात नहीं बताई, बस इसने ऐसी चीज़ें बोली, मतलब इसने एक तरीके से उनके जो माँ बाप हैं कुंवर जी के, जो परिवार के हों, उनको डराने की कोशिश करी। बात ये है, हमको डराना चाह रहा है कि भाई हिंदू शेर भाई को डराना चाहता हो, वो डराना चाहता, तो तेरी तो हम तेरे जैसे को अपनी गाँवों में दबा के मारते हैं, तू चिंता मत करे। 1971 वॉर भूल चुका है, दोबारा याद दिलानी पड़ेगी इसको, है एयर स्ट्राइक भी ये भूल चुका है, इसको दोबारा याद दिलानी पड़ेगी। तो भाई यो ये जो कुत्तापना दे रहा है, डरा रहा है हमारे जो परिवार वालों को, कुंवर जी के परिवार वालों को, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तेरी गांड में दम हो ना तो तू कुंवर जी को बस एक प्रूफ दे दे। हमारे हिंदू शेर बॉय भाई हैं सुरेश भाई, वो भी यही कह रहे हैं, बस तू एक प्रूफ दे दे, हम मान जाएंगे कि यार तेरे पास है। नहीं क्या है कि अभी भाई चले भी जाएँ, सुरेश भाई चले भी जाएँ और वहाँ पर कुछ हो नहीं, फिर ये क्या है? तू एक बात बता कि तू तो कुछ कह रहा है, हर चीज़ के लिए एक ना एक प्रूफ चाहिए होता है। अब जैसे कुंवर जी थे हमारे, वो शेर थे, उन्होंने गए और प्रूफ दिया कि मैं ओमान में हूँ, चाहते तब वो रेगिस्तान में जाके, हमारे यहाँ पे खूब रेगिस्तान है, वहाँ पे जाके बना सकते थे, हम सारा वहाँ पे सब कुछ कर देते। तुम्हारी यहाँ चूतियाँ हैं, तुम अंधे हो तो तुम्हें दिख जाता कि वो तो ओमान है, फिर तुम ढूंढते रहते, ठीक है ना, वो रेगिस्तान में हम वीडियो बना लेते। लेकिन उसके बाद भी हम असलियत में वो गया, वो बंदा शेर हमारा कुंवर जी, उसके बाद भी उसने वीडियो बनाई और ऐसे बनाई। तो भाइयों उसने प्रूफ दिया, ऐसे तू प्रूफ दे हमारे, अगर तेरे पास है तो कुंवर जी को, तो तू प्रूफ दे कि भाई वो यहाँ पे हैं और आप मतलब ये हमारे पास है, या फिर कुछ सर्टिफिकेट को कुछ तो दिखा यार, हम जो नहीं कह रहे वीडियो ही बता, कुछ तो दिखा। मैं बताता हूँ, कुंवर जी हो सकते हैं तो कहाँ हो सकते हैं, पहली चीज़ तो कि वो इंडिया में हो सकते हैं तो आ गए हों शायद, दूसरी चीज़ कि सुरेश भाई कह रहे हैं कि कुछ है, वो मुझे भी समझ में आ गया है, सबको आ गया है, लेकिन बताना नहीं है, क्योंकि जो इसके संग मज़े ले रहे हैं ना, इस वीर कुत्ते के संग, वो मज़ा आना चाहिए, मज़ा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तो मैं सुरेश भाई से कहना चाहता हूँ, भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, मारो, और इससे बार बार, और हर यूट्यूबर से कह रहा हूँ, इंडियन यूट्यूबर से, आप सभी इससे यूँ कहें कि ये प्रूफ दें,
सभी इससे कहें प्रूफ दे जब ये देगा या फिर नहीं देगा, ठीक है ना? क्योंकि होंगे जब, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, लेकिन तू प्रूफ दे के बता, तेरे में दम हो ना, तू प्रूफ दे, ठीक है ना? और बक 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 बक, हमारे पास है, हमारे पास है, क्या सबूत है तेरे पास है? तुम्हारी गांड में बस की नहीं है जो हमारे कुंवर जी के बाल तक को छू ले, है? तुम फटियाओं की तरह आते हो, तू तो खुद आया नहीं है, डरपोक, तू तो खुद आया नहीं है पिंडी से निकल के, है? और वैसे ही हमारे आदमी है। और भाई मैंने सेम भाई, कोई सेम भाई है उसका भी देखा है मैंने, उसके भी ये देखा है कि वो सुरेश भाई से कह रहा है हम छोरे भेज देंगे इंडिया में, ये कर देंगे, तू अभी वीडियो बना रहा है। अबे झाट के बाल, तेर में इतनी सरिया घुसेंगी बेटा, तू अगर इंडिया तक आ गया तू आज जा, हम बोला मत कर, देख कुत्तों की तरह भौंकना सही नहीं है, बोला मत कर, सीधे आ जाएगा। तो भाई मैं चलता हूँ, इनको यही जवाब था भारत माता की।